हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर। यस आई नो इट हैज बीन लॉन्ग टाइम, बट देर आए दुरुस्त आए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। यस, बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इससे आपको हो सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले, राइट। लेकिन इसके पहले एज यूजुअल हम लोग स्टार्ट करेंगे हैशटैग रिकैप। तो प्रीवियस क्लासेस में बच्चा पार्टी हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई लाइट रे, ये मान लो मेरे पास कौन सा मीडियम है, ये मीडियम है मेरे पास रेयरर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। जस्ट वन मिनट, कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है, राइट। कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम। और ये जो है मेरे पास कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। अब अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स स्पीड, उसकी स्पीड की वजह से वो क्या हो जाती है? बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास। अगर आप में से किसी बच्चे ने वो इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं देखी तो प्लीज जाकर के अभी भी यूट्यूब में सर्च करिए रिफ्रेशर बाय कृष्णा सर और पढ़ते रहो क्लासेस, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब लाइट एंटर हुई रेयर से डेंसर में तो इसकी जो ना स्पीड है वो क्या हो गई? कम हो गई। स्पीड कम होने की वजह से क्या हो गया? ये बेंड कर गई नॉर्मल की तरफ। ये जस्ट वैसा ही है जैसे आपकी ट्रैफिक में स्पीड कम हो जाती है, राइट। और जब ट्रैफिक नहीं होता तो आपकी स्कूटी की जो स्पीड होती है वो 80 किलोमीटर पर आर के आसपास होती है, राइट। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से, सपोज कि ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, ये हमारे पास रेयरर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से इंसिडेंट कराते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, बिकॉज जैसे ही वो डेंसर से रेयरर में आती है तो अपनी वापस से जैसी उसकी वेलोसिटी पहले थी एज प्रीवियस उसको एक्वायर करने की कोशिश करती है और वापस से क्या होती है? वो नॉर्मल से अवे हो जाती है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने? पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सो कॉल्ड, डरावना डरावना नाम है। अब बहुत आसान है, क्या इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे मीट एट सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन, ओके। तो सेकंड है ये। और फर्स्ट क्या पढ़ा था? पढ़ा था साइन एंगल आई, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हो गया एंगल ऑफ आर, ये हो गया एंगल ऑफ आई टू, या मैं कह सकता हूं ये भी एंगल ऑफ आई है, ये भी हमारे पास एंगल ऑफ क्या है? आर है, क्योंकि अभी अलग अलग मीडिया हम लोगों ने लिए हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ आर रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट वैल्यू, और इसको हम लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ के नाम से। और एक जो कॉन्स्टेंट है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसी? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब एक नया टॉपिक है हमारे पास, प्रॉपर एक दो नंबर का क्वेश्चन आपको इससे मिलता है। तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर छोटी सी 7 से 8 मिनट की वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे और आपको कराएंगे उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इस टॉपिक को समझने के व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, क्लियर है। तो आज का क्या है टॉपिक भाई, जरा आप समझ लीजिए। आज का टॉपिक है, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, क्लियर। अब ये हमारे पास जो मीडियम हो गया वो मीडियम वन हो गया रेयरर मीडियम, और ये हमारे पास जो मीडियम हो गया मीडियम टू हो गया डेंसर मीडियम। इसके बाद ये जो फिर वापस से पहला वाला मीडियम आ गया रेयरर मीडियम, ठीक है। अब बाय चांस कोई लाइट रे क्या करती है, रेयरर से डेंसर में एंटर करती है, तो आप सबको पता है कि उसके साथ क्या होगा, उस लाइट का क्या हस्त होगा, है ना। तो क्या मर्डर वर्डर थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। लाइट रे इंसिडेंट करती है, वापस से क्या हो गया? अब देखो ये क्या करेगी, जैसे ही क्या करेगी, रेयरर से डेंसर आएगी, क्या हो जाएगी? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, ठीक है ना। नॉर्मल तो आपको पता है, नॉर्मल लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहां पे। ये देखो नॉर्मल लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही, छुटकू सी देखी। और यहां पर सेम नॉर्मल लाइन यहां पर ड्रॉ करेगी जो यहां पर कट कर रही होगी, राइट, ये नॉर्मल लाइन। और जैसे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट आएगी तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। ये देखो ये क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सपोज करो कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यहां पर नहीं होता, मान लो आप एक सुनसान इलाके से जा रहे हैं, ट्रैफिक नहीं है, आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आर है एज यूजुअल, और ट्रैफिक नहीं है तो क्या जानबूझ के आप अपनी स्पीड को कम करते? सोच के देखना, अब ये मत कहना कि हाँ सर हम कर देते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, हम तो 40 के ऊपर जाते नहीं, ये सब कहने की बातें मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। तो फिर अगर
आपको ट्रैफिक नहीं मिलता, मतलब एज यूजुअल आप रेयरर थे और रेयरर से ही आप ट्रैवल कर रहे होते, तो आप कुछ इस तरह से विदाउट डेविएशन क्या होता, आप पार कर जाते, निकल जाते। ठीक है, अब जरा इनको क्या कर दो, लेवल कर दो, इनके नाम वाम रख दो, थोड़ा सुनने में कहने में अच्छा लगेगा। भाई तुमको बुलाएं ए ओ चचा तो ये सब खराब लगेगा ना, तो इसको क्या कर देते हैं, एक लेवल कर देते हैं। मान लो ये हमारे पास है रे ए, ये हो गया ए बी, स्ट्राइक कर रही है एक सरफेस पर, इंटरफेस पर, सी हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया, ये क्या हो गया डी हो गया, और जो सरफेस है वो हमारे पास पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस। ठीक है, तो आप कैसे, आपको उसमें लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर केस बेस में आता है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट आंसर्स करने हैं। लेकिन अगर मान लो ये अलग से क्वेश्चन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आता है, डायरेक्टली पूछ लेता है कभी कभी, तो फिर आप क्या करोगे, आपको आपको लिखना पड़ेगा। आप ये फिगर बनाओ राइट साइड, इसके बाद क्या करो कि ए बी रे स्ट्राइक ऑन सरफेस पी क्यू एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड इट गोज बी टू सी एंड अगेंस्ट स्ट्राइक the surface SR which is the second surface of this rectangular slab of rectangular slab or glass, right? And after passing through the denser to rarer medium, it bends away from the normal, right? Okay. And अब आपको लिखना पड़ेगा AB is a ray of incidence, क्या लिखना पड़ेगा कि जो हमारे पास AB है वो क्या है, ray of incidence है। ठीक है, जो हमारे पास CD है वो क्या है, ray of emergent है, already I told you in previous वीडियो, राइट? अब ये जो रे है इसको तो हम लोग इंसिडेंट ही रे कहेंगे विदाउट डेविएटेड, क्योंकि जा रही है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो ये एंगल बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, एंगल आई वन बोल सकते हैं। ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है इसको बोल सकते हैं हम लोग आर वन। ठीक है, अब देखो जब ये लाइट बी टू सी इस एस आर इंटरफेस में स्ट्राइक कर रही है तो इस फेस के लिए ये लाइट कैसी है, इंसिडेंट। तो मैं इस वाले एंगल को भी बोल सकता हूं दैट इज आई टू, दिस एंगल इज आई टू। ओके, एंड नाउ यहां से इंसिडेंट हुआ, अब ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, ये कौन सी टू डी रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो ये एंगल हो गया हमारे पास एंगल आर टू। क्या इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत सिंपल लॉजिक है, जो हम लोगों ने सिंगल सिंगल पढ़ा है वो हम लोग देखो कंबाइन कर दे रहा है। देखो ये देखो प्रीवियस स्लाइड में देखो, हमने सिंगल पढ़ा रेयर से डेंसर बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसको कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दो तो बन गया ग्लास स्लैब। क्या प्रॉब्लम है बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं ना। ओके, ये अनडेविएटेड रे है, क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है। अब जरा देखो तो कुछ और इसमें रिलेशन होते हैं, क्या रिलेशन होता है देखो, जो एंगल आई वन है ना, एंगल आई वन, ठीक है, एंड ये किसके इक्वल होता है, ये होता है एंगल ऑफ आर टू के इक्वल होता है, एंगल ऑफ आर टू, एंड दिस एंगल विच इज आर टू ऑल्सो नोन एज, ये जो आर टू वाला एंगल है ना दोस्त, इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट के नाम से भी जानते हैं। इट मीन दैट एंगल ऑफ आई वन इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या ये चीज आपको तैयार रहेगी कि नहीं, यस और नो, फटाफट बताओ, तैयार रहेगी? बहुत बढ़िया बात है अगर तैयार रहेगी। अब आगे देखो जरा फटाफट, देखो देखो क्या देखना है अब इसमें, जो देखो अब भाई मान लो मैं बात कर रहा हूं इस R2 और R1 की, I2 सॉरी ये I2 है, I2 और R1 की, तो आपको पता है जो एंगल ऑफ I2 है वो किसके एंगल ऑफ R1 के इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। देखो ना ये R1 और I2 ये अल्टरनेट एंगल है ना, देखो ये Z बन रहा है, ये एक Z बन रहा है, दिखाई दिया? तो अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो हमारे पास जो हमारे पास I2 है और R1 ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन और फाइंड होके आ गया कि ये जो हमारे पास रिलेशन हो क्या है, इक्वल है R1 के। ठीक है, आपको कहीं कहीं पर कैसा फिगर देखने को मिलेगा अभी आप ये समझ लो फिर बताता हूं। अच्छा आप जरा देखो भाई, एक जो इंसिडेंट रे है और एक जो रे हमारे पास इमरजेंट रे है, ये आपको दिख रहा है, तो इनके बीच में एक शिफ्ट आ रही है, एक गैप आ रहा है। क्या आ रहा है? एक गैप आ रहा है, राइट? तो इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो रेज है ना ये आपस में क्या होती है, पैरेलल होती हैं, और इनके बीच का जो शिफ्ट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो एक बार रिकॉल करा देता हूं, कभी कभी कुछ इस तरह से फिगर बना होता है आपकी बुक्स में, तो इसको भी जरा देख लीजिए, बस एक मिनट लगेगा। ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और हमने कोई एक रे इंसिडेंट कराई, ठीक है, ये हमने रे इंसिडेंट कराई, ये क्या हो जाएगी, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल एंड नाउ अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
ओके अब जरा ये इंटरफेस देखो फटाफट कैसे बन रहा है। इंटरफेस देखो कैसा बनेगा, एक नॉर्मल हमारे पास ये हो गया, एक नॉर्मल हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना। चलो लेबल किया अपन ने, ये हो गया हमारे पास एन वन, ये हो गया हमारे पास एन टू, क्लियर। अब जरा देखो ये है हमारे पास रे ऑफ इंसिडेंस, ओके ये है रे ऑफ रिफ्रैक्टेड, या इसी को बोलते हैं रे ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अकॉर्डिंग टू द जेड पोजिशन, ऑल्टरनेटिंग एंगल पोजिशन, दिस एंगल इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ आर, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंट, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस स्लाइड वी हैव ऑलरेडी स्टडीज दैट की आर आई वन एंड ई वन इज इक्वल, इट मीन दैट ये क्या हो जाएगा हमारे पास कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हमने एक चीज और पढ़ी, क्या पढ़ी भाई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जरा अब गौर से सुनना, ये पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट इस टॉपिक में ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उनको लगता है कि ये तो बड़ा आसान है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, है ना। और वो टॉपिक है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एल डी। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ऑन वॉट फैक्टर डज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड, कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज देखो, अगर मैं इस ग्लास स्लैब की थिकनेस बढ़ा दूंगा, क्या बढ़ा दूंगा, थिकनेस बढ़ा दूंगा, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, सिंपल सी बात है, इसमें इफेक्ट करेगा, ओके। दूसरा फैक्टर देखो, दूसरा फैक्टर है ये जो हमारे पास ग्लास स्लैब है ये किस मटेरियल का है, उस मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट कैसी ट्रेवल कर रही है, कम हो रही है, यह बहुत ज्यादा कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, राइट और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग मेजर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, विच इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, ओके। थर्ड जो हमारे पास इसका एक फैक्टर है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस लेटरल डिस्प्लेसमेंट आल्सो डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। होपफुली कि आपको ना ये जो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब था ये समझ में आ गया होगा। एक इसका एग्जाम्पल बताता हूं बहुत प्यारा सा। मान लीजिए आपके घर में पेपर आ रहा है, कोई कांच का टुकड़ा हो ना उसको पेपर के ऊपर रख देना, आपको पता है ऊपर से देखने पे क्या लगेगा, आपको ऊपर से देखने पे एकदम नॉर्मल लगेगा, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा टिल्ट किया, जैसे टिल्ट करोगे तो लेटर्स आपको ऊपर की तरफ उठे हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और दैट इज वाई बिकॉज दैट इज फॉर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज वाई बिकॉज दैट इज फॉर द रिफ्रैक्शन। अब जरा एक चीज समझो, एक और बात समझो, मान लीजिए कि कोई एक ये ग्लास ब्लॉक आपके पास रखा है, क्या रखा है भाई, ये ग्लास ब्लॉक रखा है, जरा देखो समझो भाई, अब क्यों नहीं आपको दिख रहा है ऊपर से देखने पर, जब ग्लास ब्लॉक रखा है और कोई रे क्या कर रही है, 90 डिग्री फॉल कर रही है, कैसे फॉल कर रही है, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो अनडेविएटेड, सॉरी देखो वो क्या करती है, वो अनडेविएटेड निकल जाती है, क्यों, क्योंकि इस केस में देखो अब ये नॉर्मली फॉल हो रहा है, कैसा फॉल हो रहा है, नॉर्मली फॉल हो रहा है, इसका मतलब एंगल ऑफ आई बिकम्स जीरो, देन एंगल ऑफ आर आल्सो बिकम्स जीरो, मतलब एंगल ऑफ आर एंगल ऑफ इमर्जेंट टोटली वी फाइंड दैट द वैल्यू इज जीरो। सो अगर कोई लाइट रे नॉर्मली आएगी, अगर लेटर्स को आप ऊपर से देखोगे 90 डिग्री पे तो आपको सेम दिखेगा, थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो उठे हुए दिखाई देंगे, और ये एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है रिफ्रैक्शन का। एक और है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बट इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। चलिए तो आज के लिए इतना ही, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। एक क्यूआर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आप फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप क्या करो, इससे आपको जो आज मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रिपेयर करते रहो, अपने आप को तैयार करते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय, आ जा। ये आ गया देखो, ठीक है, चलो।